बताइए, अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, लेट द फैक्टर ऑन व्हिच द फोर्स ऑफ द मैग्नीट्यूड फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर डिपेंड्स। किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है बोलो, बोलिए भाई। सर अमाउंट ऑफ करंट, द मटेरियल एंड द नंबर ऑफ टर्न। अगर एक ही बच्चा जवाब देगा ना तो मैं कल से क्लास कैंसिल कर दूंगा। A factor, list the factor on which the magnitude force experienced by the conductor depends. किस किस factor पर depend करती है? सबसे पहला हो गया current, दूसरा number of turns और तीसरा क्या था बेटा? Nature of iron core, nature of material, material of iron core, of core. ठीक है? State the rules which has been finding the direction of the motion of the conductor. कौन सा use होता है बोलो? बोलो भाई, इल्मा, इकरा, हिलाल बोलो। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ओके। नेक्स्ट, स्टेट वेदर एन अल्फा पार्टिकल एक्सपीरियंस द फोर्स हार करेगा। यह सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे ना। स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कर दोगे? डेफिनेशन लिखवा रखी है क्लास में। होल्ड योर फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर सच दैट योर मिडिल फिंगर पॉइंट डायरेक्शन ऑफ किसको बताओ? मिडिल फिंगर किसको करती है? करंट। योर फोर फिंगर पॉइंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन योर थंब विल पॉइंट डायरेक्शन ऑफ, देन योर थंब विल पॉइंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स, ओके। चलो नेक्स्ट आगे, राइट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, लिखा रखा है कॉपी में? कॉपी में लिखवाया है सबको? यस सर। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। आर्मेचर रोटेट करता है, कॉइल है, ठीक है, जो कि आपको रोटेशनल एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ब्रशेस, ब्रशेस क्या करते हैं? ब्रशेस हेल्प इन in providing the connecting the coil with the electric current, okay, provide electric current to the coil, okay। uske baad split is sir, direction of current ko change karte hain, half rotation mein turn. Current ki direction ko reverse karne mein help karte hain, samajh aaya? What is the function of galvanometer in the electric circuit, इलेक्ट्रिक सर्किट? गैल्वेनोमीटर आपको फंक्शन क्या है? गैल्वेनोमीटर आपको डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है बस। इट गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड वैल्यू ऑफ करंट, कितना करंट जा रहा है वो भी बता देगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, राइट एंड राइट एनी वन मेथड टू इंट्रोड्यूस अ करंट इन द कॉइल। बताइए कोई एक मेथड बताइए टू इंड्यूस करंट इन द कॉइल, बोलो कैसे आप कॉइल के अंदर करंट को इंड्यूस कर सकते हैं? सर कॉइल को मैग्नेटिक पोजीशन, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, और दूसरा बोलो कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कैसे कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को चेंज आप अलग अलग तरह या मैग्नेट को मतलब मूव कर सकते हैं दूसरे के लिए। ये हमारे पास एक कॉइल ए है, प्राइमरी कॉइल, और ये हमारे पास कॉइल बी है, बी है। इसके बी में इंड्यूस करंट डेवलप हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट विल बी डेवलप्ड हो जाएगा बेटा। किस किस कंडीशन में डेवलप होगा? अगर आप ए का ए में करंट को चेंज करें, इफ the current is changed in coil A, coil A में current change होगा तो magnetic field change होगा, और magnetic field change होगा तो induced current produce होगा, समझ में आया? दूसरा, ये आपने एक coil ले ली, ठीक है, इसको galvanometer से connect कर दिया, इसके अंदर अगर आप लेके गए north से south,
ठीक है। तो नॉर्थ पोल पे एंटर करोगे तो अपोजिट होता है, नॉर्थ पोल में एंटर करोगे तो ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, और अगर साउथ पोल में एंटर करोगे मतलब नॉर्थ पोल अगर एंटर कराओगे तो ये उल्टा होता है, साउथ पोल एंटर कराओगे तो जिस तरफ साउथ पोल जाएगा उसी तरफ ये गैल्वेनोमीटर भी प्रोड्यूस होगा। तो बाय इंसर्टिंग अ कॉइल सॉरी अ बार मैग्नेट इन द कॉइल तब भी हो जाएगा ये, ठीक है समझ आया। और आप मैग्नेट को फिक्स कर दीजिए, ठीक है मैग्नेट को फिक्स कर दीजिए, और ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, मैग्नेट को फिक्स कर दीजिए और आप कॉइल को रोटेट करिए, कॉइल को रोटेट कीजिए, जनरेटर में करते हैं ना, कॉइल को आप रोटेट कीजिए, जब आप कॉइल को रोटेट करेंगे तब भी इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। सर हाँ बोलो सर, एक क्वेश्चन था कि वो स्टील से इलेक्ट्रोमैग्नेट बन सकता है क्या? हाँ बनता है। ओके सर, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। यहां पर कह रहा है ये हमारे पास तो तीन तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, समझ आया। तो वन मेथड क्या था, बाय, सबसे अच्छा है कि आप सबसे आसान तरीका है कि बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड in the coil by inserting the magnetic field and then removing it, inserting and removing the magnetic field in the coil, okay samajh liya? Yes sir. And yahan pe dalna padega continuous inserting and exerting out the magnetic bar magnet into and out of the coil, okay? Yes sir. Okay next, uske baad aage chalte hai question number 28. क्वेश्चन नंबर 28 पर जाएंगे तो आपको मिलेगा आगे, दैट इज अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर, ये तो हो गया। अच्छा व्हाट शुड बी सीन इफ अ बार मैग्नेट, देखो आगे क्वेश्चन, अगर नॉर्थ पोल से एंटर करता है टुवर्ड्स स्पेस तो विल इट मूव, तो क्या होगा अगर आपने नॉर्थ पोल से एंटर कराया उसमें, तो गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग होगी वो अपोजिट to the direction of inserting and मतलब direction में move करेगा। If you are inserting the coil, अगर आपने इस direction में insert किया है, then the galvanometer की जो direction होगी वो opposite होगी। Okay? If you are inserting from east to west, then the direction of galvanometer from will be from west to east। समझ आया? No sir। नहीं आया समझ? Okay। नहीं sir। इसमें अभी हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो कॉइल होती है उस कॉइल के अंदर क्या होता है कि सपोज कीजिए हमारे पास ये कॉइल है और इस कॉइल में मैंने एक नॉर्थ पोल से ऐसे मैग्नेटिक को एंटर कराया। अब उसने ये नहीं पूछा है कि किस डायरेक्शन में मूव करेगी, पहली बात तो उसने ये पूछा ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इसका नॉर्थ पोल एंटर कराते हो मैग्नेट का इस कॉइल के अंदर, ठीक है नॉर्थ पोल की तरफ से आप इसको एंटर कराते हो और साउथ पोल्स का, तो अगर नॉर्थ पोल से एंटर कराते हो तो अगर आपने इसको इस डायरेक्शन में मूव कराया अंदर, तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जो होगी, जो रिफ्लेक्शन होगी वो ऐसे हो जाएगी, मतलब अपोजिट होती डायरेक्शन, यानी करंट की डायरेक्शन ये होगी। और अगर आपने नॉर्थ पोल को बाहर निकाला, मतलब नॉर्थ पोल को जब आप बाहर निकालोगे तो करंट की डायरेक्शन, अगर मैग्नेट ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक करंट डायरेक्शन ऐसे है, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी। समझ आया? यस सर। अब उसके बाद इसमें इसी में कह रहा है ये आगे कि मूव क्विकली टुवर्ड्स इट, तो अगर क्विकली उसके अंदर लेके जाओगे तो देन द देन आप लिखेंगे देन द करंट विल बी प्रोड्यूस इन द कॉइल एंड गैल्वेनोमीटर नीडल विल डिफ्लेक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसर्टिंग द कॉइल, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट, ठीक है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इंसर्टिंग द मैग्नेट, ओके, जिस डायरेक्शन में आप अगर इंसर्ट कर रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा, या सॉरी गैल्वेनोमीटर की नीडल रिफ्लेक्ट करेगी। अगर आपने इस डायरेक्शन में कराया, एग्जांपल देके समझा दोगे बेटा सब, कि अगर आपने वेस्ट टू ईस्ट में सपोज कीजिए इफ यू आर इंसर्टिंग द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इन अ कॉइल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, देन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर विल बी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। समझ आया?
यस सर। सर करंट की डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ेगा अगर कॉइल में दूसरी डायरेक्शन में करंट हो? अगर साउथ पोल एंटर कराओगे तो जिस डायरेक्शन में साउथ पोल होगा उसी डायरेक्शन में करंट भी प्रोड्यूस होगा, अगर नॉर्थ से करोगे तो अपोजिट होता है। मूव अवे क्विकली फ्रॉम इट, तो फिर से लिखेंगे हम लोग, इफ इट इज मूव अवे फ्रॉम क्विकली, अगर एकदम से अवे निकालोगे तब भी वो डिफ्लेक्शन आएगा, डिफ्लेक्शन इन द कॉयल एंड गैल्वेनोमीटर रीडिंग्स या गैल्वेनोमीटर विल बी देयर एंड विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, अगेन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ रिमूविंग द मैग्नेटिक फील्ड, ओके सॉरी मैग्नेटिक बार मैग्नेट को रिमूव करने की जो डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट होगा। उसके बाद है प्लेस नियर वन फेज, अगर उसके पास रख दे तो कोई कुछ नहीं होगा। नेम द फेनोमेना इन्वॉल्व, क्या है फेनोमेना, इंड्यूस करंट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या बोले सॉरी क्या है ये, इट वर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओके क्या है फेनोमेना ये, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, गॉट इट। जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है बोलो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सर ये इलेक्ट्रिक मोटर भी इस पे काम करता है क्या? नहीं, इलेक्ट्रिक मोटर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, टू सर्कुलर कॉइल पी एंड क्यू आर कैप्ड टू ईच अदर, ठीक है, ऑफ व्हिच कॉइल पी कैरीज अ करंट, What will you observe in the galvanometer connected to across the coil Q? तो कह रहा है two circular coil P and Q are kept close to each other. दो circular coil है, दोनों को आपने पास में रखा है, each other of which P carries a current. इसमें P carry. What do you observe in the galvanometer? हाँ, Q. तो Q में भी current अगर वो carries करता है, अगर current change होगा, अगर carry कर रहा है तो कुछ नहीं हो रहा। अगर करंट कैरी कर रहा है, सपोज कीजिए यही वाला ले लेते हैं, ये कॉइल ए है, ये कॉइल बी है, इसको मान लेते हैं पी है और ये क्यू है, तो अगर इसके अंदर करंट है, इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगा, चेंज होता है, तब जाकर के इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। तो आपको गैल्वेनोमीटर में रीडिंग कब देखने को मिलेगी, कब आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, जब इसके अंदर करंट वेरीज करेगा, वेरिएबल करंट है भाई, करंट से आपने क्या करा, आपने मैग्नेटिक इसके अंदर क्या किया, आपने इसके अंदर जब आपको पता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। अब इमेजिन कीजिए आपने यहाँ पर एक मैग्नेट रख दी, उसको ना आप हिला रहे हैं ना आप उसको कुछ कर रहे हैं, एक जगह रख दी, तो क्या इसके अंदर डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा आपको? नो सर। नहीं, तो अगर आपने इसमें सिर्फ करंट दे रखा है, लेकिन वो इफ द करंट इज ओनली देयर, इसके अलावा और कुछ नहीं है, सिर्फ करंट है, ठीक है, तो अगर करंट इसके अंदर है तो इसके अंदर मैग्नेट तो बन रहा है लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा, वो ऐसी कंडीशन में जैसे आपने मैग्नेट तो है लेकिन वो चेंज नहीं कर रहा, मतलब एक ही जगह पर रखा हुआ। जब आप इसके अंदर करंट को चेंज करेंगे तो करंट चेंज होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेट की वो चेंज होगी तो इंड्यूस करंट डेवलप होगा, तो चेंज होगा तभी, तो अगर वेरी करेगा तो आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी। समझ आया? यस सर। यहाँ पर इफ द करंट इन द कॉइल पी इज चेंज्ड देन देयर विल बी डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। इफ द बोथ द कॉइल्स मूव्ड इन द सेम डायरेक्शन एज विद द सेम स्पीड, अगर सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में मूव करा दिया जाए, तो अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तब भी कोई चीज में कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा भाई। इफ द कॉइल मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में अगर कॉइल मूव कर रही हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, सेम डायरेक्शन में, अब ये कॉइल दोनों मूव कर रही हैं, तो एक तरह से ये तो स्टेशनरी हो गई ना एक दूसरे के लिए। यस सर। अगर कोई चीज सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, सेम स्पीड है, दो कार्स आपस में मूव कर रही है ऐसे सेम डायरेक्शन में और सेम स्पीड से, तो भाई ये एक कार दूसरी कार के लिए तो स्टेशनरी हो गई ना, चेंज ही नहीं देखने को मिलेगा आपको। सर हाँ सर, अगर अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करते हैं फिर करंट इंड्यूस होगा? अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने से हाँ। यस सर। ठीक है, जस्टिफाई द आंसर इन ईच केस, आपको ये करना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे कि बी केस में क्या होगा कि नो करंट विल बी इंड्यूस सिंस दिस इफ द बोथ द कॉइल्स मूव्स इन द सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड, देन इन दैट केस
the primary coil, the coil P and Q will behave stationary to each other, and since there is no change in the magnetic field, so we will consider it as that there is no हम बोलेंगे कि कोई दूसरी कॉइल के अंदर कोई इंड्यूस करंट डेवलप होने को नहीं मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाते हैं। इन फैराडेज एक्सपेरिमेंट इफ इंस्टेड ऑफ मूविंग द मैग्नेट टुवर्ड्स अ कॉइल, अगर हम कॉइल को ना मूव करके सॉरी इन फैराडेज एक्सपेरिमेंट इफ इंस्टेड ऑफ मूविंग द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, ठीक है, कॉइल की तरफ ना मूव करके वी मूव द कॉइल टुवर्ड्स द मैग्नेट, ठीक है, फैराडे एक्सपेरिमेंट में बोल रहा है ये। Instead of moving the magnet towards the coil, यानी magnet को coil की तरफ ना move करके अगर हमने coil को magnet की तरफ move करा, will the induced current produce? हाँ, होगा। Yes sir। होगा। Main चीज़ तो आपको magnetic field change करना है। आप चाहे coil को produce करें, क्या magnet को उसके अंदर insert करें या बाहर निकालें, या फिर आप coil को उसके अंदर लेके जाएं। तो अगर आपने if you fix the direction of if you fix the magnet, आपने जैसे generator के अंदर होता है north and south pole fix रहता है, coil को rotate करते हैं हम लोग, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे इफ यू फिक्स द मैग्नेट एंड कॉइल डायरेक्शन ऑफ द कॉइल इज चेंज या कॉइल इज मूव्ड इन एंड आउट, उसके जैसे भी मूव करा रहे हो देन द मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड विल बी चेंज फॉर द कॉइल एंड देन इंड्यूस करंट विल बी प्रोड्यूस्ड। ओके, ठीक है, लिख दोगे? यस सर। उसके बाद है राइट वन एप्लीकेशन ऑफ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की एप्लीकेशन क्या है? तो एक एप्लीकेशन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जनरेटर है, ठीक है, और ये हेल्प करता है हमें दूसरी एप्लीकेशंस की है कि हमें पता करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स का पता करने में अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन मिल जाए तो। उसके बाद एप्लीकेशन में तो रियल लाइफ एप्लीकेशन, हाँ रियल लाइफ एप्लीकेशन में वो भी लिख सकते हो तुम। ओके चलो, उसके बाद है अकॉयल A coil of insulated copper wire is connected to a galvanometer with the help of die. हाँ। सर ये वाले क्वेश्चंस आप क्यों नहीं भेजते? क्या? ये वाले क्वेश्चंस आप क्यों नहीं भेजते सर? ये वाले क्वेश्चन क्यों नहीं भेजते? आज भेज दूंगा यार, मैं थक जाता हूँ, मैं पता है मेरी हिम्मत नहीं होती, मैं सोचता हूँ आज भी क्लास कैंसिल कर दूंगा अगर मुझे लगता है कि नहीं यार कुछ तो पढ़ाऊंगा, कुछ तो पढ़ेंगे बच्चे। एक मिनट को कॉल आ रही है। So, a coil of insulated copper wire is connected to a galvanometer with the help of a label diagram. State what would be seen if the bar magnet with south pole आपकी बार एंटर कराया गया, तो south pole जो कराया गया तो फिर वही सारी phenomena लिख दोगे। अगर south pole एंटर कराया गया है तो जिस direction में south pole यानी south pole आपने एंटर कराया है तो galvanometer यानी current galvanometer की reading उसी तरफ move करेगी, यानी उसी तरफ move करेगी जिस तरफ south pole की direction moving magnet की direction होगी, ठीक है, फॉर दैट इंस्टेंट इफ इट इज मूविंग इनसाइड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल विल आल्सो बी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ओके, और अगर नॉर्थ पोल को करते तो उल्टा होता। ओके, यस सर। तो ये सारे फेनोमेना बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह है, ये बस इसमें साउथ पोल एंटर करना है, मूव क्विकली अवे फ्रॉम इट तो उसका अपोजिट हो जाएगा, देन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल विल स्टिल डिफ्लेक्ट एंड विल द सेम डायरेक्शन ऑफ द मूविंग मैग्नेट। ओके, इतना ही लिख देना सेम एज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग मैग्नेट, और इसमें लिख देना देयर विल बी डिफ्लेक्शन इन द नीडल एंड इट विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग मैग्नेट। ओके, और यहाँ पर है प्लेस नहीं होगा इसमें कुछ भी, नेम द फेनोमेना इन्वॉल्व वही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, स्टेट फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है बोलो, बोलो किसी को याद है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल? सर इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन देन द करंट इंड्यूस्ड कैन बी नोन बाय द डायरेक्शन ऑफ मिडिल फिंगर। इसको लिखना पड़ेगा ना कि सर वो लेफ्ट हैंड रूल की इतना लिख सकते हैं बस, उसकी जगह राइट हैंड रूल लेंगे क्योंकि फिंगर्स तो वही रिप्रेजेंट करते हैं।
ऐसे लिखोगे तो होल्ड योर फोर फिंगर मिडिल फिंगर एंड थंब perpendicular to each other such that your thumb point in direction of motion ठीक है and then your middle four finger point in direction of magnetic field then your middle finger will point in direction of induced current ठीक है उसके बाद है write the frequency of alternating current in India कितनी होती है sir 50 to 60 hertz how many times per second it changes direction कितनी बार change करती है एक second में बोलो एक साइकिल कब कंप्लीट होती है ये कंप्लीट हो गई एक साइकिल तो एक ही बार तो चेंज करी एक सेकंड में एक बार ऊपर एक बार नीचे दो बार चेंज हुई ना ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर ठीक है सो कितनी बार चेंज करेगी टू टाइम्स ओके उसके बाद नेक्स्ट How is the type of मतलब two times नहीं मतलब एक मिनट में कितनी बार करेगी 100 से 120 बार How is the type of current in that we receive in the domestic circuit different from the run block एक बार मैं इसको क्वेश्चन को ना चेक कर लेता हूँ किससे मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कितनी बार चेंज करती है तो मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ वही है कि फ्रीक्वेंसी इंडिया में फास्ट होती है एंड ईच साइकिल इट अल्टर द डायरेक्शन ट्वाइस तो एक साइकिल में दो बार करती है तो वही 110 से कितनी बार करेगी बेटा सर एक साइकिल मतलब एक सेकंड में होगी एक सेकंड में दो एक साइकिल मतलब एक मिनट में 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी यानी एक सेकंड में कितनी बार वो क्या करती है साइकिल कंप्लीट करती है ऐसे ऐसे साइकिल 50 एक सेकंड में करती है इतनी तो इन वन तो क्या पूछ रहा हाउ मेनी टाइम्स अच्छा इन वन सॉरी हाउ मेनी टाइम्स पर सेकंड अच्छा एक सेकंड में कितनी बार करती है तो एक सेकंड में 50 बार करती है ना वो 50 हर्ट्ज का मतलब हुआ एक सेकंड में 50 या 60 टाइम्स तो 110 से 120 बार करेगी सॉरी 100 से 120 बार डायरेक्शन चेंज करेगी 100 से 120 बार मतलब एक अगर 50 से 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो 100 से 120 बार करेगी एक सेकंड में हां बस इतना लिख देना इट विल ट्वाइस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ठीक है यस अगर 50 टू 60 हर्ट्ज है सपोज इफ इट इज 50 टू 60 हर्ट्ज देन इट विल बी 100 टू 120 हर्ट्ज सॉरी टाइम्स करेगी चेंज अपने डायरेक्शन समझ आया हाउ इज द टाइप ऑफ करंट हाउ is the type of current that we receive in the domestic circuit circuit different from the one that runs clock how is different types of current that we receive in domestic circuit different from sir domestic mein ac aata hai aur usme dc aata hai clock kyunki battery se na ha domestic mein hum log ac current use karte hain aur wo current jo hum log clock yani ghadi mein use karte hain wo to dc current hota hai battery ke cell jo hota hai theek hai so isme likh doge ki इसमें फ्रीक्वेंसी जीरो होती है जीरो फ्रीक्वेंसी इसमें फ्रीक्वेंसी होती है 62 मतलब इट हैज फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट हैज फ्रीक्वेंसी ठीक है इसमें एक्चुअल ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल सॉरी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल इसमें नो एक्चुअल ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस अल्टरनेटिंग करंट में बल्कि इलेक्ट्रॉन अपनी मेन पोजिशन पर वाइब्रेट करता है ठीक है कर दोगे yes, उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डिफाइन द अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट बता दोगे अल्टरनेटिंग और उसमें क्या फर्क होता है यस सर अल्टरनेटिंग करंट जो होता है उसमें फ्रीक्वेंसी होती है यानी साइकिल्स होती हैं ठीक है इसमें कोई साइकिल नहीं होती जीरो फ्रीक्वेंसी होती है ठीक है इसमें नो एक्चुअल ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें एक्चुअल ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसमें लॉस ऑफ एनर्जी ज्यादा है इसमें लॉस ऑफ एनर्जी कम है
ठीक है, समझ में आया कैसे देखो? व्हाई अल्टरनेटिंग करंट इज प्रेफर्ड ओवर डायरेक्ट करंट फॉर ट्रांसमिशन ऑफ लॉन्ग, क्योंकि इसमें एक्चुअल ट्रांसमिशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉन की वाइब्रेशन, एक इलेक्ट्रॉन अपने दूसरे इलेक्ट्रॉन को पुल कर वाइब्रेट करता है अपनी मीन पोजिशन पर, एंड द वाइब्रेशन ट्रेवल्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, सो देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी इज लेस इन अल्टरनेटिंग करंट, व्हाइल इन डायरेक्ट करंट द एक्चुअल ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एंड दिस रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉसेस इन डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन. समझ आया? कर दोगे? यस सर. इसके बाद है अल्टरनेटिंग करंट इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज. देखो 50 हर्ट्ज बोला था, 50 हर्ट्ज ही लिख देना भाई, 60 मत करना उसे. व्हाट इज मीन दिस स्टेटमेंट? दैट कि एक सेकंड में 50 बार साइकिल जो है वो कंप्लीट करती है अल्टरनेटिंग करंट में. ठीक है, व्हाट इज मीन बाय दिस स्टेटमेंट? दिस मीन दैट इन वन कंप्लीट इन वन सेकंड देयर आर 50 कंप्लीट साइकिल्स वाइब्रेशनल साइकिल्स बोल सकते हो, ठीक है, ऑफ द करंट. ओके, व्हाट इज मीन बाय द स्टेटमेंट? हाउ मेनी टाइम डज इट चेंज डायरेक्शन इन वन सेकंड? कितनी बार चेंज करता है वन सेकंड? इट विल चेंज इट डायरेक्शन 100 टाइम्स. ओके, रीजन फॉर योर आंसर. इसका रीजन क्या है? रीजन यही है कि इसके अंदर वाइब्रेशन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी मेन पोजिशन पर वाइब्रेट करता है. ठीक है सर, एक साइकिल में मतलब दो बार डायरेक्शन चेंज होती है. हाँ यार, ये एक साइकिल हो गई, तो एक बार यहाँ से नीचे जाएगा, नीचे की तरफ जा रहा है, एक बार ऊपर जा रहा है, एक बार ऊपर से नीचे, एक बार नीचे से ऊपर. मैं नहीं चल सकता क्या सर ये? हाँ, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी. सपोज करो ये ऐसे गया फिर वापस आया. हाँ सर, समझ. उसके बाद What is the frequency of DC that given by a cell? 1.5 volt. Sir, frequency 1.5 volt. Sorry, what is the frequency of DC? Sorry, frequency बोला. Zero. Frequency होती नहीं है. उसके बाद next उस पे आ जाओ. क्या time हो गया? Okay, give reason. Is it dangerous to touch a live wire of the main supply? Yes. क्योंकि live wire में जो होता है वो current होता है. Okay. और neutral wire जो होता है वो earth से connected रहता है, तो it is just similar to touching a earth wire. ठीक है, एक तरह से मतलब neutral wire is neutral wire. तो दोनों जब मिल जाते हैं तभी current का flow होता है. एक higher लाइव वायर जो होता है वो हायर पोटेंशियल पर होता है, न्यूट्रल वायर जो होता है वो लोअर पोटेंशियल पर होता है. तो लाइव से न्यूट्रल की तरफ करंट का डायरेक्शन होता है फ्लो करने का. तो न्यूट्रल वायर क्योंकि लोअर पोटेंशियल पर होता है तो उससे इतना करंट नहीं लगता, जबकि लाइव वायर जो होता है वो हायर पोटेंशियल पर होता है, सो उससे करंट लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं. समझ आया? जी सर. उसके बाद है इन हाउस होल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज यूज्ड. क्यों पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों यूज किया जाता है? आपको सीरीज में जबकि ऐसा नहीं है. यूजिंग ऑफ फ्यूज वायर इन इलेक्ट्रिक इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि फ्यूज वायर जो होता है वो ओवर सर्किटिंग के दौरान, सॉरी शॉर्ट सर्किटिंग के दौरान, when excess of current pass through the circuit, then it burns and break the circuit, which and thus prevent from मतलब हमारे डिवाइस को safely प्रूव करता है. समझ आया? समझ आया बेटा? Yes sir. तो ये क्वेश्चंस मैं आपको भेज देता हूँ. चलो अभी भेज देता हूँ सर. क्लास में रह के भेजिए प्लीज. नहीं नहीं यार, अभी भेज देता हूँ. यान कहेगा कि सर वो भेजते नहीं आप, आप कह देते हैं क्या 3 दिन से या 4 दिन से बोल रखा है मैंने. हाँ हाँ, मैं भेज रहा हूँ, अभी भेज रहा हूँ, एक मिनट. तो क्या था? क्यू मैग्नेटिक इफेक्ट का था. अरे सर, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट कट क्यों नहीं, जब वो आई नहीं ना, आ नहीं रहा है तो यार अब क्या पता आ जाए. कुछ पता है क्या? पूरा चैप्टर ही है तो ये भी है. कुछ नहीं पता भाई, अब
कब क्या हो जाए। चलो भाई मैंने भेज दिए हैं तुम्हें ये वाले क्वेश्चंस, और मैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के क्वेश्चन कल को हम लोग करेंगे, तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का भी आप लोग। थैंक यू। हाँ कल को हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन करेंगे, इसको इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, जिसको नहीं आएगा कोई भी क्वेश्चन वो पूछ लीजिएगा। इसके अलावा मैंने कौन से कार्बनेट्स कंपाउंड भी करा दिया था शायद से, तो कार्बनेट्स कंपाउंड को भी मैं भेज देता हूँ, ठीक है। फिर सारे आपको आप करते रहिएगा जो भी इम्पोर्टेंट होंगे इसमें, कार्बन इसके अलावा कौन से करा था मैंने, एक हमने पीरियोडिक भी करा था, पीरियोडिक भी किया था, तो पीरियोडिक भी मैं सर हेरिडिटी कल करवाएंगे, हेरिडिटी कल करवाऊंगा यार, अब तो टाइम बचा नहीं, नमाज के लिए भी जाना है और फिर शॉर्ट क्लासेस रख लिया करेंगे, थोड़ा मिल भी लेते हैं, बात भी हो जाती है थोड़ी, किसी का कोई डाउट है तो वो भी कंप्लीट हो जाता है, और उसके अलावा फायदा ये भी है कि हम लोग किसी तरह से कोई डाउट होगा तो पूछ भी लेंगे, ठीक है कर ही लेंगे। अभी कितना चैप्टर बचा है, 3 तो कर ही लिए, पीरियडिक कर लिया, उसके साथ साथ कार्बन कर लिया, ये कर लिया, अब इलेक्ट्रिसिटी बच रहा है, रिप्रोडक्शन बच रहा है, बस इसके अलावा और थोड़ी बच रहा है कोई। सर कार्बन अभी थोड़ी हुआ है मतलब ऑनलाइन।